आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमें यह बताती है कि जब भी कोलिजन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, वो इफ़ेक्टिव होगा या नहीं। इफ़ेक्टिव का मतलब उस कोलिजन के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं। तो जो इफ़ेक्टिवनेस है कोलिजन की, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर। सबसे पहले हम एनर्जी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे यदि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जितनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, उनका जो कन्वर्जन रेट है, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक इसमें दूसरा फैक्टर भी है, वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो टकराने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक दूसरा फैक्टर भी है जो होना बहुत ज़रूरी है, और वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब है आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पेस में किस तरह से अरेंजमेंट है। जैसे उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे दो मॉलिक्यूल हैं मेरे पास NO2 के, और वो आपस में कोलाइड करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, N2O4 में। यहाँ पर दो अरेंजमेंट दिखाए गए हैं, ऊपर वाला प्रॉपर अरेंजमेंट है, नीचे वाला प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। मान लीजिए इन दो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वो कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन जो ऊपर वाला केस है उसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर है। प्रॉपर है का मतलब इसमें प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन टकराएगा किससे, नाइट्रोजन से। लेकिन अगर मैं नीचे वाला केस देखूं, यहाँ पर NO2 का नाइट्रोजन दूसरे NO2 के ऑक्सीजन से टकरा रहा है, जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इसीलिए प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसलिए ये कहा जाता है यदि मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो उसकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये कोलिजन थ्योरी के दो फैक्टर्स थे जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है।